सो हे गाइस, अगर आप 5G यूज़ करेंगे 5G नेटवर्क, उससे पहले आपको 5G फ़ोन होना ज़रूरी है। सो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका मोबाइल 5G है या 4G। सो उसके लिए क्या करना है, आपका जो भी मोबाइल है, जो भी, उसका सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क दिखेगा, आपको उस ऑप्शन पे जाना है। वो कहीं पर भी है, आपको उस ऑप्शन पे जाना है। अभी फ़िलहाल जियो का 5G आ गया है, जियो और एयरटेल, तो आपको जियो सिम पहले सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जियो सिम पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। सो आपको इस ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर देखिए, मेरे पास प्रीफर 5G पे मैंने सिलेक्ट करके रखा है। लेकिन अगर आपको इस ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद जो सर्चिंग पे आएगा, आपके पास क्या क्या नेटवर्क है, उसमें अगर देखेंगे तो आपके एरिया में 5G है या नहीं, वो आपको दिख जाएगा। तो कुछ सेकेंड वेट कीजिए। सो अभी मेरा इधर स्लो हो रहा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्या है। उसके बाद अगर आपके 5G मोबाइल है, तो आपने 5G नेटवर्क सिलेक्ट भी करके रखा है, उसके बाद भी यहाँ पर 5G नहीं आ रहा है, तो आपका जो सिम है उसे बदलना पड़ेगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको जाना है आपका जो माई जियो ऐप है, उस ऐप के अंदर जाना है। ऐप के अंदर जाने के बाद इस टाइप का आपके सामने ऑप्शन आएंगे। अगर आप सोगे, जैसे आप जियो ऐप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर ऊपर में दिखे अपडेट का ऑप्शन दिखेगा। तो अपडेट पे अगर आप क्लिक करेंगे, व्यू ऑफर भी देखेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स आएंगे कि अपडेट योर माई जियो ऐप फॉर जो जियो 5G का अनलॉक ऑफर है। सो उस ऑफर को पाने के लिए आपको अपडेट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ले जाएंगे प्ले स्टोर पर, जिसमें माई जियो फॉर एवरीथिंग जियो, इस ऑप्शन को पहले आपको क्लिक करके उसे अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपका मोबाइल का डिटेल्स दिखाएंगे, आपको इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल होगा, उसके बाद आपका जो ईमेल है, ईमेल पर आएंगे, ईमेल का पासवर्ड आपको डालना होगा। ईमेल का पासवर्ड डालने के बाद के मोबाइल 5G है, और यहाँ पर दिखे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएंगे, जियो ट्रू 5G, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन अपग्रेडेड टू जियो वेलकम ऑफ़र। जो वेलकम ऑफ़र है एक, उसे आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है उसे लेने के लिए। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आएंगे। सो यहाँ पर देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर 5G लेने के लिए यहाँ पर जियो वेलकम ऑफ़र, ओके, हैंडसेट 5G कम्पलीटिवली, वो भी आपका हो गया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, हैंडसेट सॉफ्टवेयर वर्सन, हैंडसेट 5G सेटिंग। सो सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट होना पड़ेगा, इस योर हैंडसेट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट। सो आपको क्या करना है, अपडेट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद डायरेक्टली आपको ले जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपका वर्सन कौन सा है, चेक फॉर अपडेट। अगर आप अपडेट पे चेक करेंगे, सो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपडेट सिस्टम है वो लास्ट सक्सेसफुल चेक फॉर अपडेट, अभी 11 बस कर जो आज का डेट है। लेकिन यहाँ पर जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी वर्सन हो, वो अक्टूबर में लास्ट टाइम आया था, इसमें अपडेट का कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए इस मोबाइल पे हुआ नहीं है। सो अगर आप इस टाइप का अपडेट वगैरह कर लेंगे, तो आपको 5G मिल जाएंगे और आपका मोबाइल पे 5G सेटिंग भी आ जाएंगे। सो दूसरा कुछ करना नहीं है, बस यही सेटिंग करना है। आपको 5G नेटवर्क सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आके आपको 5G का बेनिफिट, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरा जो नंबर है उसमें 5G का वो भी आ गया है, प्लान भी यहाँ पर शो कर रहा है, 5G प्लान ऑलरेडी मैंने डाल के रखा है। तो आप भी जियो माई जियो के थ्रू 5G का स्पीड वगैरह सब कुछ देख पाएंगे।